हेलो दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये चाइना एक पीसीबी है, सीआरटी पीसीबी है, ठीक है। और आप देखिए ये पीसीबी का, ये टीवी का जो फॉल्ट है, सप्लाई देने के बाद इसका जो लाइट आता है बहुत ही हल्का सा लाइट आता है, और ये ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट करके रखा है और मैं वीडियो लाइन देख के ही रखा है। तो चलिए आपको वीडियो प्ले करके एक बार देखूँगा। तो दोस्ती बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं सेट टॉप बॉक्स को दोबारा मैं ऑफ करके ऑन किया, और इसका जो लोगो देखिए, पूरा जो धुआं धुआं घोला घोला इस तरह ये दिखा जाता है, और कैमरा पर लगता है कि ओके, लेकिन ये आँखों में पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है। वो नेगेटिव जैसे इस तरह दिखा जाता है, सब कुछ पिक्चर और लोगो नेम सब कुछ। तो तब भी आपको क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है ये भी आपको ये वीडियो में देखाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, मैं मेनू चैट पुश करके सेट टॉप बॉक्स का आपका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बहुत ही क्लियर नहीं है, तो बहुत ही लाइट ब्राइटनेस जो होता है बहुत ही कम देखा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है, मैं टेस्ट करके देख लिया, और ये पीसीबी में अलग पिक्चर ट्यूब पर लगा के देखा है कि बिल्कुल पिक्चर सब कुछ ओके है, सिर्फ ये पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। तो तब भी आपको दिखाता हूँ कन्फर्म करने के लिए, ई एस टी का जो ये नीचे वाला पिन है, फोकसिंग थोड़ा सा आपको हाई करके दिखाता हूँ। तो ESD का ये पिन मैं जब फुल हाई कर देता हूँ, फुल हाई करने के बाद भी इस तरह लाइट आता है। तो दोस्तों ये रिक्ट्रेस लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्ट्रेस लाइन नहीं है, इस तरह इतना लाइट आता है, तब भी लाइट बहुत कम लगता है। तो दोस्तों और क्या करना पड़ेगा, तो ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये पिक्चर ट्यूब पानी के अंदर फेंक देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करके ये पीसीबी जो पार्टी का ये टीवी है वो और कुछ दिन चला सकता है। तो आपको ये वीडियो में यही ट्रिक दिखाऊंगा, तो इसीलिए आप शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये मॉनिटर का एक पिक्चर ट्यूब है, ठीक है, और ये चाइना पीसीबी इसका अंदर है। तो दोस्तों चलिए कुछ वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आपको ESD सप्लाई देखिए, 114 वोल्ट, ये ओके है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए उसके बाद आपको जो दिखाऊंगा 180 वोल्ट लाइन का, तो 180 वोल्ट का लाइन देखिए 183, सब कुछ वोल्टेज ओके है, ठीक है। तो चलिए अलग अलग कैथोड पिन चेक करके दिखाऊंगा। यह कैथोड पिन है, इसका अंदर वोल्टेज देखिए 128, ठीक है। और उसके बाद दो फिलामेंट पिन है, और उसके बाद आर एक जो ये कैथोड पिन है, ये पिन का वोल्टेज आप देख लीजिए 128, ठीक है। और उसके बाद G2 पिन है, और G2 पिन का पास ये कैथोड पिन है, ठीक है। और ये पिन का वोल्टेज आप देख लीजिए 98। तो दोस्तों आपको कम लगता है, लेकिन ये पीसीबी का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं वीडियो लाइन देख के मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो जब क्लास वीडियो के अंदर जितना कलर होता है वो अप डाउन के बजाय वो इस तरह वोल्टेज आता है। तो IC का जो सिग्नल आउट वोल्टेज आपको देखा था, देखिए 3.2 वोल्ट के आसपास। आपको तीनों पिन चेक करके दिखाया, देखिए 2.8, ये IC का पिन वोल्टेज भी ओके लगता है। तो चलिए इसके बाद आपको ABL वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि ABL वोल्टेज डाउन होने के बाद देखिए ये 4 वोल्ट के आसपास है। तो ABL वोल्टेज डाउन होने के बाद लो लाइट प्रॉब्लम व नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसका ABL वोल्ट ओके है। अब देख सकते हो पिक्चर का जो क्वालिटी, बहुत ही लो ब्राइट जैसा और हल्का सा नेगेटिव जैसा ये देखा जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट इस तरह जो जो वोल्टेज आपको देखा है ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ये कुछ भी वोल्टेज गड़बड़ होगा तो आपको फर्स्ट वो रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ESD है, ठीक है, ये जो ESD है आपको सप्लाई अप करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो ESD है, देखिए ESD ये जो आउटपुट एडजस्ट सेटिंग ये कितना ऊपर लगाया है, और ESD ओके होगा तो नीचे लगाने के बाद भी सब कुछ ओके हो जाता है। तो चलिए ESD को एक बार चेंज करके देखूंगा। तो दोस्तों
ईएसटी से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ईएसटी को एक बार मैं चेंज किया। आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा तो जरूर आप ईएसटी चेंज करके एक बार देख लीजिए, और ईएसटी चेंज करने के बाद इसका जो फॉल्ट ये सेम ही दिखा, आपको भी दिखाता हूँ। ये शर्माने का कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम इस तरह काम ना करना पड़ता है, ठीक है। एक एक पार्ट चेंज करके देखना पड़ता है, तो मैं भी देख लिया, आपको भी दिखाया, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, तो दिखाने के बाद तब भी इसका पिक्चर जो क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसका जो ग्रीन टाइप पिक्चर ये देखा जाता है, ये पिक्चर ट्यूब का ही फॉल्ट है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तब भी आप रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए मैं मीटर को, मैं अलग मीटर लेके दिखाता हूँ। मैं मीटर को एसी रेंज पर सिलेक्ट किया है, और इस टाइम इसका फिलामेंट सप्लाई आप फॉलो कीजिए। ये पिक्चर ट्यूब का जो फिलामेंट सप्लाई देखिए 4 वोल्ट के आसपास, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एसी 4 वोल्ट के आसपास ये फिलामेंट सप्लाई है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट का ध्यान दीजिए, आपको देखा है कि एसी फिलामेंट सप्लाई 4 वोल्ट के आसपास है। ये जो रेजिस्टेंस ईएसटी से जो फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है, ये पिन पर भी वोल्टेज सेम होता है। देखिए आपको दिखाता हूँ, 4.12 वोल्ट के आसपास, ठीक है। एक्चुअली ये 4 वोल्ट के आसपास ही होता है। और ये जो रेजिस्टेंस का ये पिन, और इधर साइड भी आपको दिखाता हूँ, ये 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। कुछ भी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज देखिए 4 वोल्ट के आसपास है। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली ये जो फिलामेंट सप्लाई वोल्ट है, ये वोल्टेज को अब थोड़ा सा बढ़ाएगा तो ये जो पिक्चर क्वालिटी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ दोबारा, फिलामेंट पर ये 4 वोल्ट आता है। मैं ये फिलामेंट सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाऊंगा, और ये फिलामेंट सप्लाई कैसे बढ़ाएगा और कैसे ये फिलामेंट सप्लाई हाई किया जाता है, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसीलिए देखिए मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लियर करके दिखाऊंगा, और आपको जितना दिखाऊंगा आप उतना ही कीजिए, ठीक है। ये जो फिलामेंट सप्लाई का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को फर्स्ट आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये रेजिस्टेंस को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप पूरा ये पीसीबी से आउट कर सकते हो, लेकिन मैं आउट नहीं किया, सिर्फ एक पिन को ओपन कर दिया, इसका आउटपुट पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद एक छोटा सा वायर लेना पड़ेगा। देखिए मेरे पास ये लाल वाला जी वायर है, ये वायर मैं ले लिया। और क्या करना पड़ेगा, ये जो ईएसटी है, ईएसटी का ये जो कोड है, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइंडिंग करना पड़ेगा। देखिए मैं किस तरह वाइंडिंग कर लेता हूँ। अब ये ध्यान से देखिए, मैं एक वाइंडिंग किया, अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं दो वाइंडिंग किया, और उसके बाद अब देखिए मैं थ्री वाइंडिंग किया, तीन वाइंडिंग किया, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं चार वाइंडिंग किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चार वाइंडिंग किया। तो दोस्तों आप गिनती करके देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अब देखिए, मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ, चार वाइंडिंग करने के बाद मैं ये वायर को मैं थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। इस तरह आप टाइट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अच्छा करके टाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो दोनों पॉइंट है ये वायर का, ठीक है, ये आपको जिस पिन पर कनेक्शन करना पड़ेगा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। कुछ भी वायर, कुछ भी पॉइंट, आप एक वायर पॉइंट आप नेगेटिव के साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ये जो मेरा चैनल, ये आप लोगों का ही चैनल है, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी सब कुछ मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वायर को मैं ईएसटी का जो नेगेटिव पॉइंट है, और ये पीसीबी का जो टोटल नेगेटिव पॉइंट है, जो कुल सेक्शन का, ये नेगेटिव पॉइंट पर मैं कनेक्शन कर दिया। और अलग जो वायर बाँच किया, ये जो सप्लाई पॉइंट का रेजिस्टेंस मैं जिस पॉइंट से ओपन किया वहाँ पर कनेक्शन कर दिया, क्योंकि वो पॉइंट से सप्लाई फिलामेंट पर जाएगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस ऊपर मैंने ओपन किया और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए इस टाइम आपको सप्लाई देख के दिखाऊंगा, और फिलामेंट सप्लाई पर कितना वोल्ट आता है ये आपको दिखाऊंगा मीटर लेके, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए, मैं सप्लाई दे दिया आपका सामने, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसका फिलामेंट ऑन हो गया, और इसका जो पिक्चर क्वालिटी, जो लाइट, जो ब्राइटनेस बहुत कम था, वो थोड़ा जरूर बढ़ेगा, ठीक है। आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। अब देखिए ये फिलामेंट सप्लाई का पिन है, और यहाँ पर कितना वोल्ट है अब मीटर पर फॉलो कीजिए। देखिए 6.34 वोल्ट का आसपास, ठीक है, थोड़ा सा मैं वोल्टेज बढ़ाया,
फिलामेंट सप्लाई ऐसे थोड़ा सा बढ़ा है इस तरह, ठीक है, इस तरह ट्री को यूज करके आप और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आप 7, 8, 9, 10 वोल्ट तक आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका पिक्चर जो क्वालिटी आपको एक बार दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा सा आ गया, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसका जो ब्राइटनेस बहुत कम था, ये बहुत हाई आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप कुछ भी डैमेज लाइट, लो लाइट, प्रॉब्लम पिक्चर ट्यूब को आप रिपेयर कर सकते हो इस तरह ट्रिक यूज़ करके। और दोस्तों और पानी के अंदर फेंकने का बाद ये ट्रिक यूज़ करके पार्टी को देगा तो पार्टी बहुत खुश होगा और कुछ दिन तो जरूर चलेगा। लेकिन ये पिक्चर ट्यूब का ही फॉल्ट है, ये पिक्चर ट्यूब को जब तक आप जरूर चेंज ना कीजिए तो का जो ओरिजिनल कलर जो और जो ब्राइटनेस होना चाहिए ये कभी नहीं होगा। तो दोस्तों तब भी आप इस तरह ट्रिक यूज़ करके पार्टी को खुश कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ।